हमें सुनाई दिया है तुम एग्ज़ाम की बोल रहा है ड्यू और यूजीसी का बात है भाई। जब देश के अंदर 1000 पेशेंट रोज़ के आ रहे थे, 400 पेशेंट रोज़ के आ रहे थे, तब तो तुम हमारा एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जो हम याद करा था सारा। और जब हम भूल गया है वो चीज़ याद करी हुई, तब तुम 25000 पेशेंट आ रहे हैं, 10 लाख टच होने जा रहे हैं, तब तुम कह रहे हो एग्ज़ाम दो। पागल समझा है क्या ड्यू के बच्चों को? नहीं, यही सब कुछ तुम्हारे देश पर निर्धारित है। जब तुम एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी और सब मिनिस्टर्स और सब नेता सब लोग ये कह रहे हैं, घर वाले ये कह रहे हैं कि दूरी बना के रखिए, घर में रहिए, स्टे होम स्टे से, बाहर निकलोगे तो कोरोना पकड़ लेगा, दूसरी तरफ तुम ऐसी बात कर रहे हो कि एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। कैसे देगा एक बच्चा एग्ज़ाम? हमारे तो वाईफाई का भी कनेक्शन नहीं है, हमें जहाँ ऐसी जगह रहते हैं कि हम वीडियो भी अभी वीडियो पर बना रहे, लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे देगा बच्चा एग्ज़ाम? कोई झुग्गी में रहता हो कैसे देगा? क्योंकि ड्यू में ज़्यादातर तो झुग्गी में ही रहते हैं, क्योंकि जो रेगुलर में जाते हैं भाई वो पैसे वाले होते हैं। मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों का है, तो इसलिए एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएंगे भाई। तुम जो चर्च कर सकते हो कर लो। तुम कह रहे हो ना 10 तारीख की डेट दिया है तुम 10 अगस्त की एग्ज़ाम लेने की, हम तुमको पूरे साल की डेट देता है, इस साल एग्ज़ाम ही नहीं होगा ना बच्चा देगा, अगर होगा तो कहाँ से देगा भाई जब पहुँच ही नहीं पाएगा। तुम बात ही ऐसी करते हो, अगर ओपन बुक लोगे तो एग्ज़ाम एंड इंटरनेट नहीं है, जहाँ तुम 10वीं का रिजल्ट नहीं दे पा रहे ऑनलाइन, वहाँ तुम एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हो ऑनलाइन, जहाँ तुम्हारी साइटें हैंग पड़ी रहती है। मैं डाउनलोड करने के लिए कुछ खोलता हूँ तो कहता एरर है, शाम को रात में ट्राई करना, और तुम सुबह की टाइम दे रखा है जब लाखों बच्चे देंगे। वाह।